कोई भी मुसीबत पहुंचे उससे पहले उस मुसीबत को मुझसे होकर गुजरना होगा। बस इसी तरह मुस्कुराती रहो। चली भाभी, चली भाभी, आप प्लीज आभा के पास थोड़ी देर चली जाइए, उसकी दवाई गिर गई है तो मैं दवाई लेने बाहर जा रहा हूँ। हाँ बस मैं भी जाती हूँ। हाँ थैंक यू। अब भाभी, ये खून के धब्बे किसके हैं? नहीं, चोट तो किसी को वो असमी सॉस की बोतल से खेल रही थी, शायद उसी से गिर गए हो। तुम जाओ। आज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी आखिर इस चाबी का ताला है कहां। यहां तो पुरानी तस्वीरों के अलावा कुछ भी नहीं, पर अगर ये चाबी है तो इसका ताला भी जरूर होगा। मुझे यही पता लगाना है कि इस चाबी का ताला कहाँ है, और इसके लिए मुझे मुझे ठाकुर और आभा पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। थैमा, उस कमरे में मेरा दम घुटता है, कुछ कीजिए ना जिससे आभा अपना कमरा छोड़ने पर मजबूर हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ करना जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब तू देखना मैं उस आभा से उसका कमरा कैसे खाली करवाती। अरे करण, गीजर नहीं चल रहा। हाँ हाँ वही, फ्यूज अभी सब चेक हुए, फ्यूज तो ठीक है लेकिन वायरिंग में कोई प्रॉब्लम है, हो जाएंगे। डोंट वरी। ठीक है, हम गैस पे पानी गर्म करने रखते हैं। अरे एक दिन आप नहीं आएंगी तो क्या खाली पड़ जाएंगी। करण, और मैं तो कहता हूँ देखो बारिश का मौसम है, नहाने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर बारिश में चलते हैं, रोमांस करते हैं। ओहो, आप जानते हैं ना हम नहाए बगैर खाना नहीं बनाते। छोड़िए आभा, अब ये पानी तुम्हारे पैरों पर गिरेगा, पैर जलेंगे, फिर मजबूरन तुम्हें नीचे वाले कमरे में शिफ्ट करना ही पड़ेगा। मैं भी बुलाता हूँ, आप बैठिए ना। आइए दो। क्या जरूरत है ऐसी हालत में इतना भारी बर्तन उठाने की? नौकर मर गए और आप तो बड़ी हैं, आप मना नहीं कर सकती। ये करण बीच में कहां से आ गया? हमें कुछ और करना पड़ेगा अब दाई। 24 घंटों के अंदर अंदर मैं आभा को उसका बेडरूम छोड़ने के लिए मजबूर कर दूंगी। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट बेसन के लड्डू भेजे। अच्छा, मैं चखूं? नहीं, ये हमारी माँ का प्यार है, हम इसे बांटेंगे नहीं। अच्छा मत बांटो, पिताजी के लिए चाय तो ले आओ। अरे हाँ, हम अभी आते हैं। कमाल कर दिया आपने दाइमा। मैंने मतलब तूने नहीं किया ये? नहीं तो तूने नहीं किया तो फिर किसने किया?